कोरोना वायरस के वैश्विक स्तर पर कहर के चलते पूरी विश्व मानव जाति के सामने कोरोना वायरस के संक्रमण ने संकट खड़ा कर दिया है। वायरस के खौफ के चलते लोग घरों में कैद हैं। बुखार, जुखाम, खांसी होने पर लोग अपनों से ही मिलने में कतरा रहे हैं। पड़ोसियों, बाहर आने वाले रिश्तेदारों से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हर कोई कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सजग व सतर्क है। पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है। वहीं शहर की सड़कों पर महिला प्रशासक के साथ सफेद व खाकी वर्दी अपनों की परवाह न करते हुए देश व मानवता की खातिर रात दिन एक कर कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में जी जान से जुटी हुई है। अस्पतालों में इलाज कर रही मेडिकल टीम अपनी जान पर खेलकर कोरोना संक्रमित संदिग्धों की जांच व संक्रमितों को कोरोना से मुक्त करने में जुटी हुई है। ऐसी विकराल परिस्थितियों में जिले में तैनात महिला आरएएस अधिकारी व उप जिला कलेक्टर डी सुमन देवी एक एक कोरोना योद्धा को प्रेरणा प्रदान कर रही हैं और विभिन्न विभागों व पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यापारियों व जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सबको साथ लेकर इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी हिम्मत के साथ रोज 14 से 16 घंटे ड्यूटी कर अपने फर्ज को अंजाम दे रही। ये मातृशक्ति अपने परिवार व बच्चों से दूर रहकर लोगों को संक्रमण से बचाने की कवायद में जुटी हैं और जनता के बीच अपील कर रही हैं। स्वयं वो अपने परिजनों की सलामती के लिए घरों में रहें और इस वैश्विक महामारी को डीग में दस्तक नहीं देने दें। अपनी पूरी समर्पित टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाग मीणा, पुलिस उपाधीक्षक मदनलाल जैफ, कार्यपालक मजिस्ट्रेट सोहन सिंह नरुका, विकास अधिकारी दीपाली शर्मा, ब्लॉक CMHO हिमांशु पाराशर, थानाधिकारी गणपत राम, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मनीष शर्मा के साथ शहरवासियों से अपील की है कि आप घरों में रहें, हाथ न मिलाएं, नमस्ते से काम चलाएं, नागरिक धर्म का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें, पुलिस प्रशासन का साथ दें, घरों से बाहर न निकलकर बेवजह भीड़ न करें, ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाकर रखें, किसी भी सूचना को पुलिस प्रशासन से न छुपाएं। SDM सुमन देवी के अनुसार अगर उपरोक्त नियमों का सख्ती से पालन किया जाए तो जान भी रहेगी, जहान भी रहेगा। संक्रमण को लेकर, इस महामारी से को लेकर मेरे लोगों से यही अपील है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें, पुलिस प्रशासन को साथ दें, सहयोग दें, घरों से अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें, भीड़ नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे दूरी बनाए रखें। किसी भी सूचना, किसी प्रकार की सूचना उनको पुलिस और प्रशासन को दी जाए और बार बार कहने के बावजूद अगर आम आदमी नहीं मानेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ कानून समक्ष, विधि समक्ष FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी, हिरासत में भी लिया जाएगा। और अंत में ये कहना चाहूँगा लोगों से कि पुलिस और प्रशासन आपके सहयोग के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है। हम आपसे तत्पर हैं और घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही अपील है।